Good afternoon everyone. Welcome to your online lecture, Standard 2nd, Subject Marathi. Today we will start our second unit test portion. Second term का portion हम लोग start करेंगे. यहाँ से हम लोग जो भी पढ़ेंगे वो हमारे second unit test के लिए रहेगा. Second term से, okay? Second unit test का portion start करेंगे. तो क्या है? एक ते दहा अंक, मतलब numbers है 1, 2, 3, इसको अंक बोलते हैं number को. और हम लोग इसको क्या करेंगे? अक्षरात लिहा. ये मराठी की वर्कबुक में पेज नंबर 22 पे है. तो ये क्या है? अंक किसको बोलते हैं? हम लोग नंबर्स बोलते हैं ना, इसको मराठी में अंक बोलते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6 को क्या बोलते हैं? 6, 7, 8, 9 और 10 को बोलते हैं 10. अब इसको लिखेंगे कैसे? ये देखो, एक को कैसा लिखेंगे? ए लिखेंगे और क लगाएंगे, तो ये एक हो गया. दोन है तो द के साथ ओ की मात्रा लगाएंगे तो दो, और न लगाएंगे तो दोन. ये तीन है तो त के साथ ई की मात्रा लगाएंगे तीन, और न लगाए तो तीन. ये क्या है? चार. च के साथ आ का खाना लगाएंगे और र, तो बन गया चार. ये है पांच. प के आगे आ लगाएंगे और च लगाएंगे तो बन गया पांच. सिक्स को क्या बोलते हैं हम लोग? सहा. तो स और ह के आगे आ लगाए तो सहा. ये क्या है? सेवन. तो सेवन को बोलते हैं सात. तो स के आगे आ लगाए सा और ये लगाए त, तो सात. ये क्या है? एट को बोलते हैं आठ. तो बड़ा वाला आ लिखे और ठ लिखे तो बन गया आठ. नाइन को क्या बोलते हैं? नऊ. तो न और बड़ा वाला उ, तो नऊ. और टेन को क्या बोलते हैं? दहा. द और ह के आगे आ, दहा. तो हम लोग इसको कैसे रीड करेंगे? एक, दोन, तीन, चार, पाँच, सहा, सात, आठ, नौ, दहा. सेम हम स्क्रीन मैचिंग नंबर्स अंक लिखे हुए हैं, नंबर्स लिखे हैं, उसको आपको मैच करना है. ये पहला वाला नंबर क्या है? फाइव. इसको क्या बोलते हैं? पाँच. तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, तो इससे मैच करें. दूसरा वाला क्या है? दोन. तो ये एक, दो, तो दोन से मैच करें. फिर ये क्या है? थ्री. तो इसको क्या बोलते हैं? तीन. तो एक, दो, तीन, ऐसा. अब अंक अक्षरात लिहा रहेगा, जैसे अंक अक्षरात लिहा है, ऐसा क्वेश्चन आएगा आपको पेपर में. हम जैसे समझो थ्री लिखा रहेगा, तो आप उसके आगे क्या लिखोगे? तीन. अगर फाइव लिखा रहेगा तो आप उसके आगे लिखोगे पांच. अगर आठ लिखा रहेगा तो आप उसके आगे लिखोगे ऐसा आठ. सिक्स लिखा रहेगा तो लिखोगे सात. ये ऐसा एग्जाम में आपको ऐसा आएगा. अंक अक्षरात लिहा, नंबर्स दिया रहेगा, ये आपको आंसर्स लिखना रहेगा. ओके, ये पूरा गिनती एक से लेके दहा तक आप नोटबुक में लिखोगे, मराठी के नोटबुक में. फाइव टाइम्स लिखोगे, नहीं थ्री टाइम्स लिखो, मराठी की नोटबुक में थ्री टाइम्स लिखो. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड दिस टॉपिक. थैंक यू.